नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साधक परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। के 6 साल से गुरुजी साकार स्वरूप से आश्रमों में नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी के प्रति अपने शिष्यों की, करोड़ों करोड़ों शिष्यों की श्रद्धा है वो अटूट बनी रही है। सब शिष्यों ने गुरुजी से कुछ न कुछ पाया हुआ है। जो मुख्य चीज है वो वही है कि गुरुजी का स्मरण करो, ईश्वर का स्मरण करो। शिष्यों के लिए गुरुजी ही ईश्वर माने गए हैं। ईश्वर का स्मरण करो या तो गुरु का स्मरण करो, वो एक ही चीज़ है। तो गुरु का स्मरण करो और साथ में समाज की सेवा करो, सामाजिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा, सांस्कृतिक सेवा, लोगों में जाके गरीब गुरबे जो लोग हैं उनकी सेवा, और जो बालक है, बच्चे हैं, उनको अच्छे संस्कार दिए जाए। तो हर प्रकार की आयु के जो साधक है उनके लिए गुरु जी ने कुछ न कुछ काम बताया है, और उन्नति का, सुख और शांति का जो सही रास्ता है वो रास्ता बताया है, और उस रास्ते पर चलने से करोड़ों करोड़ों साधनों साधकों का जीवन उन्नत हुआ है, उनको सुख प्राप्त हुआ है, उनको शांति प्राप्त हुई है। इसलिए गुरु जी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा रही है, अतीत में थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। आप एनकाउंटर केस में बरी हो गए, तो क्या आसाराम जी बापू भी बरी होकर फिर से भक्तों के बीच आएंगे क्या? हम एनकाउंटर केसों में हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई थी, उस साजिश के अंतर्गत हमको जेल में भेजा गया था, लेकिन धीरे 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 एक कानूनी प्रक्रिया ने अपना काम किया, सत्य था वो बाहर आया, और उसकी वजह से आज जितने भी हमारे खिलाफ गलत केस हुए थे और उस गलत केसों में से हम बिल्कुल निर्दोष साबित होके बाहर आए हैं। एक समय ऐसा था, लोग ऐसा मानते थे, देशद्रोही लोग, के डीजी वंजारा जिंदा जेल में से नहीं आएगा, उसका मुर्दा जेल में से आएगा, ऐसा माहौल था। फिर भी सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य है वो परेशान होता है लेकिन परास्त नहीं होता है। जो चीज़ हमारे केस में प्रस्थापित हुई है वही बात सद्गुरु जी के केस में भी प्रस्थापित होगी। इनके खिलाफ भी एक साजिश हुई है, चाहे धीमी गति से ये सत्य बाहर निकलेगा लेकिन जरूर निकलेगा, और सत्यमेव जयते उस सूत्र के आधार पर गुरु जी भी निर्दोष साबित प्रस्थापित होके बाहर आएंगे। लेकिन कौन करेगा बापू के साजिश, कौन फंसाएगा आसाराम जी बापू को? ये बहुत फोर्सेस काम करते हैं उसमें, बहुत फोर्सेस काम करते हैं, परिबल जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे फोर्सेस काम करते हैं। वो पर्दे के पीछे और सरफेस के नीचे ऐसे बहुत कुछ कारण है जिसकी वजह से आसाराम जी बापू निर्देश होते हुए भी उनको गलत ढंग से फंसाया गया है। और एक समय आएगा कि जैसे मैं निर्दोष प्रस्थापित होके बाइज्जत बाहर आया हूँ, गुरु जी भी निर्दोष प्रस्थापित होके बाइज्जत बाहर आएंगे। देश में इनके भक्त हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे बापू के भक्त? बापू जी के भक्त गुजरात में ही नहीं पूरे देश में फैले हुए है, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैले हुए है। बापू के पास, बापू तो एक अमृत का घड़ा है, अमृत का झरना है, अमृत की नदी है, वो अमृत के सागर है। जिन जिन साधकों ने बापू के पास से वो अमृत की छोटी सी बूंद भी जिसने पी ली है, जिसने चख ली है, वो समझते हैं कि गुरु का क्या महत्व है। ऐसे जो गुरु का जो अमृत जिन्होंने चखा हुआ है, अमृत के प्याले भर भर के जिन्होंने पिए हुए हैं, ऐसे सब साधकों को मुझे कोई संदेश देने की आवश्यकता नहीं लगती। उनके पास ऐसा खजाना है, गुरुजी ने दिया हुआ ऐसा खजाना सबके पास है कि वो खजाना है, उस खजाने को संभाल के रखे, अपनी धीरज को अटूट रखे, अपनी श्रद्धा को अटूट रखे। और एक समय आएगा कि जैसे कुछ समय के लिए सूरज बादलों में छिप जाता है,
और कुछ लोग सूरज के प्रति धूल फेंकने की कोशिश करते हैं तो धूल सूरज तक नहीं पहुंचती, अपनी आंखों में आके पड़ती है। ऐसी तरह से हमारे गुरुजी सूरज की तरह, चांद की तरह प्रकाशित और तेजस्वी स्वरूप में वो बाहर आएंगे, दुनिया देखेंगी, और अभी जो साधक है उससे कई गुने साधक बाद में गुरुजी के शरणों में आएंगे। सर एक आखिरी प्रश्न, आप भक्तों के बीच बोलते हो कि हम बापू के शिष्य है, समाज के अंदर जाके भी बोलते हो कि हम संत आसाराम जी बापू के शिष्य है। हम पूरी दुनिया को कहते हैं, हम जब जेल में थे तब भी कहते थे, हम जब जेल में थे तब भी कहते थे, हम जेल में से बाहर आए तब भी हम कहते हैं, हम जब भक्तों के बीच में होते हैं तब भी कहते हैं, हमें कहीं भी किसी भी स्टेज पर लोग पूछते हैं तो हम बिल्कुल जो सच बात है वो सच बात करते हैं, और हमें गौरव है कि हम आसाराम जी बापू के शिष्य हैं। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, सवाल ही खड़ा नहीं होता है, ये तो साजिश है, ये षड्यंत्र है, ये कॉन्स्पिरसी है, और जैसे सब षड्यंत्रों को तोड़कर मैं बाहर आया हमारे गुरुजी भी आएंगे। ये थे गुजरात राज्य के पूर्व DIG DG बंजारा साहब। इन्होंने बताया कि संत आसाराम जी बापू पे जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, और बंजारा साहब ने ये भी बताया कि भले बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद हो, बापू को आजीवन कारावास तक की सजा हो गई हो, लेकिन आज भी हमें गर्व है कि हम संत आसाराम जी बापू के शिष्य है। कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत से रफ्तार न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए।